देख लो कहानी का तीसरा भाग। कौन सा भाग? तीसरा भाग। भाग अब कहानी का तीसरे भाग में हम समझने वाले वैश्विक अर्थव्यवस्था। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। वैश्विक अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी। क्या नाम उसका? वर्ल्ड इकोनॉमी। और वैश्विक अर्थव्यवस्था, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को ना अच्छी तरह तुम समझने लगते हो तो बिना वैश्विक अर्थव्यवस्था को समझे बिना तुम भारतीय अर्थव्यवस्था को कभी भी नहीं समझ सकते। आया समझ लो, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन समझते हैं हिंदी में वैश्वीकरण। आज भूमंडलीकरण का दौर है। तो आज के भूमंडलीकरण के दौर में ना बिना वैश्विक अर्थव्यवस्था को समझे बिना तुम आज भारतीय अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते। आया समझ लो, क्योंकि वो ये 1950 से पहले का, ये 1950 का समय नहीं है, 1991 से पहले का समय नहीं है। सब कुछ बदल चुका 1991 के बाद। आज तुम वैश्विक अर्थव्यवस्था समझोगे तो ही तुम भारतीय अर्थव्यवस्था समझोगे। आया समझ, मेरा ऐसा मानना पर्सनल, हालांकि सिलेबस में नहीं है, थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर दूंगा, लेकिन मैं इतनी इंटरलिंकिंग करूंगा ताकि तुम्हारा सिलेबस हमेशा टच कर जाए और हमेशा तुम्हारे दिमाग में सिलेबस पड़ा रहा। आया समझ, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को समझे बिना भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं समझ सकते। इसके लिए मैं आपको तीन संस्थाएं बताना चाहता हूँ। अगर तुम समझिए तीन संस्थाएं जो समझ जाएगा ना, ये समझ जाओ वो वैश्विक अर्थव्यवस्था की उस दिन तकदीर लिखी गई थी। एक समझौता हुआ था वर्ष 1944 में, तुम जानते भी होंगे वर्ष 1944 में एक समझौता हुआ था, उसका नाम था ब्रिटेन। ब्रिटेन भी क्या हुआ? ब्रिटेन भी क्या हुआ? ब्रिटेन वुड्स समझौता। ब्रिटेन वुड्स वुड्स समझौता, ये एक ऐसा समझौता था 1944 में हुआ था। आया समझ, 1944 ये ऐसा समझौता था, पूरी दुनिया के देश एक साथ बैठ गए, क्योंकि इस टाइम में इस समय द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो रखा। ये हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, द्वितीय विश्व युद्ध। पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने हेतु एक समझौता हुआ, ब्रिटेन वुड्स समझौता। इस ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत ये हुआ 1944 में। कब हुआ? 1944 में। 1944 में हुआ, और 1944 में ना इसमें इस समझौते के तहत केवल 44 देशों ने भाग लिया। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, ये 44 के 44 देश ना आज के समय के विकसित देश है सारे के सारे। आज तो बताओ, क्या हम 1944 में आजाद हो गए थे? नहीं ना, 1947 में आजाद हुए ना। तो यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमी की तकदीर ना इस ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत ही लिखी गई थी। आया समझ लो, तब तक तो हम आजाद भी नहीं हुए थे। तो ये 44 देश थे, कितने देश थे? 44 देश। 44 देशों ने इस ब्रिटेन वुड्स समझौते में भाग लिया। और ये पता कहाँ हुआ? अमेरिका, वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में हुआ। आया समझ में? तो ये ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ, इस ब्रिटेन वुड्स समझौते में 44 विकसित देशों ने भाग लिया। आज के समय के विकसित देश है, चाहे जर्मनी हो, जापान हो, बड़े बड़े देश जितने जितने द्वितीय विश्व युद्ध में उतरे हुए थे। आज के समय के जो विकसित देश है ये 44 देश नहीं है। और तीन बड़ी संस्थाएं अस्तित्व आई, तीन बड़ी संस्थाएं अस्तित्व आई इस समझौते के अंतर्गत। क्योंकि तुम्हें तीन संस्थाएं नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना तरीके से। पहली संस्था, उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। क्या नाम है? वर्ल्ड बैंक। इसे कहते हैं विश्व बैंक, विश्व बैंक। जानते होंगे तुम 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत अस्तित्व आई है। आया समझ लो, और ये मैंने अच्छी तरह पढ़ाया, अभी यूट्यूब पे पढ़ा रखा, और तुमने उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में चैप्टर पढ़ा होगा। दूसरे नंबर पर एक संस्था और अस्तित्व में आई थी, पता कौन सी थी? उसका नाम था IMF। IMF कुछ दिन पहले एडिटोरियल में भी था। हाँ नहीं, ये भी अस्तित्व में आई। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंग्लिश में क्या नाम है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उसके बाद तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जो एक संस्था अस्तित्व में आई थी उसका नाम था, आनी थी आई नहीं, उसका नाम था ITO, ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, ट्रेड मतलब व्यापार, मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। ये एक संस्था थी, अस्तित्व में आनी चाहिए थी, वो सहमति नहीं बनी, इसलिए 1947 में नहीं आता, 1947 में, ये सब 1944 में बनी, 1944 के आसपास, 44-45 के आसपास बनी, ये भी 1944-45 के आसपास। ठीक,
आप यहाँ क्यों बता रहे? क्योंकि मैंने कहा ये ब्रिटेन वुड्स समझौता वही समझौता, इस समझौते के तहत ही ना वर्ल्ड इकोनॉमी यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था थी, कौन सी अर्थव्यवस्था? वैश्विक, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी उसकी तकदीर लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करता हूं ताकि तुम लंबे समय तक क्या करा समझ में। जो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी इस ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत इस वैश्विक अर्थव्यवस्था की तकदीर लिखी गई थी। मैंने कहा तो तुम घरने मैंने समझाते समझाते बताया, तो मैंने कहा आज ना हम कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग करके देख सकते हो, क्योंकि इस टाइम इन दिस टाइम इस समय में ग्लोबलाइजेशन का दौर, भूमंडलीकरण आज के समय में वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण वैश्वीकरण का मतलब क्या हो, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हो चुका। जब विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हो चुका इसका मतलब कोई भी देश एक देश अपने आप को अलग कर सेपरेटेड तरीके से नहीं देख सकता, बर्बाद हो जाओ। आज ना हम इस अमेरिका के इतने गुलाम, हम क्या पूरी दुनिया इतने गुलाम बताया, तो अगर अमेरिका को ना जुखाम हुआ तो जी पूरे भारत हुआ, इतनी बोल हम इतने डिपेंड हो चुके। ऐसा हुआ क्यों यहां समझने वाले, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था तुम्हारा माइंड भी तुम्हारा सोचने का दायरा भी बढ़ जाएगा, थॉट प्रोसेस तो डेवलप हो गई, दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। तो जो वर्ल्ड बैंक था, और वर्ल्ड बैंक की क्या खास बात है देख लो, वर्ल्ड बैंक की जब वर्ल्ड बैंक अस्तित्व आया ना, वर्ल्ड बैंक एक्चुअली में कोई बैंक ही नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाया हकीकत में, वर्ल्ड बैंक कोई बैंक नहीं है। अभी तुम्हें वर्ल्ड बैंक के अंदर ना 5 प्रकार के बैंकों से मिलकर बना हुआ है, एक का तो मुझे नाम पता, 4 का तुम्हें पता हो, ठीक जाकर सर्च कर लेना, अभी नाम बता दूंगा देख लो। पहले नंबर का जो बैंक था सुनो ध्यान लगाकर, IBRD पढ़ाया नहीं तुम अच्छी तरह, इसका मतलब इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। ये अब लोग सोचते हैं इसका जो वर्ल्ड बैंक हो ना, वर्ल्ड बैंक का काम पता क्या हो, बैंक एक प्रकार का, प्रत्येक बैंक का काम हो लोन बांटना, आया समझ में, लोन जानते हो तुम, गवर्नमेंट लोन बैंक जो बैंक है, बैंक का काम यही तो हो जो आसपास के स्थानीय स्तर के लोग हो उन्हें लोन प्रोवाइड करवाना, ये तो काम हो, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह ये सब बांटते हैं, ये सब लोन की प्रकृति को ऋण की प्रकृति। तो जो वर्ल्ड बैंक का अस्तित्व आया था ना, जो भी हमारे अल्पविकसित देश थे या विकासशील देश थे या विकसित देश थे, इनका मानना था कि हम वर्ल्ड बैंक को इसलिए अस्तित्व में लेकर आए, इसलिए अस्तित्व में लेकर आए कि इनका मानना जी किस बेस पर रखा गया, इसका तुम मोटो देखोगे, इसका उद्देश्य देखोगे, इस बेस पर बनाया गया था कि हम ना जितने भी विकासशील देश उनके अंदर हम लोन बांटने वाले। अब लोन बांटने वाले, मैंने कहा एक्चुअली वो वर्ल्ड बैंक नाम को कोई बैंक ही नहीं है, 4 बैंक इसके साथ, 5 बैंक इसके साथ जुड़ के मिले हुए थे, 4 बैंक और भी जो इसके साथ एड करके बने हुए, एक मुझे और भी नाम याद है, IB है, IB बहुत सारे बैंक, MIGC है, बहुत सारे बैंक, 4 बैंक तुम देख लेना घर जाकर कौन से बैंक, अभी मेरे काम के लिए है, अभी मैंने काम का था IBRD, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो विकसित देशों ने ये संस्था बनाई ना वर्ल्ड बैंक, ये तुम्हारे लिए नहीं बनाई है, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया, क्यों इसका अर्थ समझो, आई का मतलब इंटरनेशनल, बी का मतलब पता क्या हो, बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इस तरह समझ लो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, इसका मतलब पता क्या हो, जब द्वितीय विश्व चल रहा था ना, द्वितीय विश्व स्टार्ट हो रखा था, तो द्वितीय विश्व समझ जाओ, भावना तुम समझ जाओगे मोटो की सुध, ये तुम्हारे लिए कभी काम कर ही नहीं सकता, तुम वहम मत रहना बिल्कुल भी कि तुम्हें लोन बांटेगा, और आज भी भारत को लोन बांट रखा, भारत के अंदर ना 1950 के बाद 1991 तक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस बैंक के द्वारा चलाए गए, आज ही भारत के अंदर बोर्ड लगा रहता था विश्व बैंक द्वारा संस्थापित संस्था के द्वारा ये रोड बनाया गया, ऐसा जिस तरह आज कोई रोड बनवा देगा विधायक का नाम लिख रहा है, इसी तरह वहां वर्ल्ड बैंक का नाम लिख रहा था, ठीक। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये तुम्हारे लिए बनाया नहीं गया था, क्यों नहीं बनाया गया था, अब क्योंकि इसका नाम, मैंने कहा कोई बैंक है ही नहीं, 4 बैंक और एक बैंक ये वाला अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास, पुनर्निर्माण का जब दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था ना, उसमें भारी मात्रा में ना उनके रोड पुल बिल्डिंग सब समाप्त हो चुकी थी, टूट फूट गई थी, उन्हें रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए अपने देश के लोगों को, इन 44 देश है, उन्हें लोन बांटने के लिए अस्तित्व में आया था, और लोगों को लग रहा कि हमारे लिए आया था जो विकासशील देश है, लड़ाई तो इनमें बज रही थी ना विकसित देशों में, आपस में खुद लड़ रहे थे, तो इनके यहाँ टूट फूट नहीं हुई थी, जब टूट फूट हुई थी इनके यहाँ, जिनका जो कंस्ट्रक्शन था वो बाद बर्बाद हो चुका था, तो उसे स्थापित करने के, उसे दोबारा पुनर्निर्माण करने के लिए उसका नाम नहीं है पुनर्निर्माण विकास बैंक, 4-5 बैंक थे आपस में, उन्हें सबको मर्ज करके वर्ल्ड बैंक बना दिया,
तो विकसित देशों की चाल आया। आया समझ में? इतनी बात समझ में आई? इसकी मानसिकता समझ में आई वर्ल्ड बैंक की? थोड़ी थोड़ी ऐसा मेरा मानना जहां तक मैंने ध्यान रखा। अब लेकिन आज के समय में अब ऐसे भी नहीं देखा जा सकता, ठीक, ऐसा लिख मत देना बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन ये कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, इसकी संदिग्धता जो, इसकी जो प्रासंगिकता, इसकी रिलेवेंसी, इसको हमेशा समय समय पर सवाल उठते रहे। लोग आज भी सवाल उठाते हैं कि इसके अंदर पारदर्शिता नहीं है, समझ में आया बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने भारत के लिए काम नहीं करा या विकासशील देशों के लिए काम नहीं करा। आज भी बड़े स्तर पर ना इंटरनेट जो अंदर के पर्पज हो, अंदर के पर्पज देश के अंदर ना, अगर देश के अंदर कोई भी काम करना हो, बड़ा प्रोजेक्ट काम करना हो, आज भी हम वर्ल्ड बैंक का लोन ले जाते हैं। आज भी जितने विकासशील देश वर्ल्ड बैंक का लोन लेते जाते हैं, ये देश के अंदर ना इंफ्रास्ट्रक्चर को, अवसंरचना को मजबूत करने के लोन मारता होगा, ये इसका उद्देश्य आज के समय में। याद रखना बात, क्या मैंने कहा कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, विश्व बैंक, इसका काम है देश के अंदर अवसंरचना को बढ़ाना, अवसंरचना में ग्रोथ करना, जो इंफ्रा हो हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, उसका काम होगा वर्ल्ड बैंक के लिए। तो पैसा कहां से लेकर आओगे? वर्ल्ड बैंक से। ये इसका मोटिव है, उद्देश्य, इसका उद्देश्य पता लग गया। इसका उद्देश्य पता क्या है? इसका उद्देश्य देश के अंदर, किसके, देश के अंदर अवसंरचना हेतु लोन मारना। लोन या ऋण भी कह सकते हैं, ठीक। ये बात बताओ, समझ में नहीं आई कि वर्ल्ड बैंक वो किस उद्देश्य के लिए बनाया गया? अब आईएमएफ की कहानी भी सुन लो। अब लोग सोचते हैं कि आईएमएफ बने हो, जो आईएमएफ का काम पता क्या हो? किसी देश की अगर वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए, अभी बताओ अगर भारत को व्यापार करने के लिए डॉलर की आवश्यकता नहीं, तो डॉलर की, तो डॉलर इसके पास मौजूद है, आया समझ, डॉलर ही हुई है, ये शॉर्ट टर्म से लोन देगा, आया समझ। भारत ने ना वर्ष 1991 के समय में भारत ने आईएमएफ के पास ना अपना सोना गिरवी रखा था। और मैंने क्या कहा था तुम, भारत के अंदर अगर कोई महिलाएं अपना सोना गिरवी रख दे ना, उस घर की स्थिति बदतर कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब उस घर की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। अगर कोई देश, भारत का जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर वो अपना सोना जाकर आईएमएफ के पास रख रहा है, तो सोच सकते हो 1991 भारत की स्थिति क्या रही होगी। इस बात से अंदाजा लगा था। छोटे छोटे उदाहरण लो, बड़े बड़े उदाहरण समझो, समझ में आया क्या कहा? छोटे छोटे उदाहरण लो और बड़े बड़े उदाहरण समझ लो। तो जो आईएमएफ था ना, आईएमएफ जब अस्तित्व में आया तो आईएमएफ का एक ही काम था। अच्छा, ये तो देश के अंदर जो अवसंरचना के लिए काम चल रहे, उसके लिए ऋण बांटने का काम, ऋण देने का, उधार देने का काम कौन कर रहा था? वर्ल्ड बैंक। अगर देश की वित्तीय स्थिति खराब, अब ये बताओ जो देश के अंदर काम चल रहे वे दीर्घकालिक होंगे या लघुकालिक होंगे? अवसंरचना जो संरचना लघुकालिक हो, दीर्घकालिक हो, इसका मतलब दीर्घकालिक जो लोन देगा वो देगा वर्ल्ड बैंक, और जो लघुकालिक जो लोन देगा ना देश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए, वर्ल्ड में विश्व वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए। बताया था नहीं, लिखा हुआ था नहीं, जो एडिटोरियल आया हुआ तुम्हारा, उसने संस्थाएं पढ़ाई तुम्हारे मास्टर ने, ये तो विश्व वित्तीय स्थिरता, सभी देशों की वित्तीय स्थिति, किसी देश की वित्तीय स्थिति खराब तो नहीं हो रही? अच्छा, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास डॉलर रखा हुआ, तुम ले जाओ कोई बात, अपने घर का सोना गिर उठा के आना। ऐसा किया, कई बार किया। आज भी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वित्तीय स्थिरता वैश्विक अर्थ, लेकिन जो लोन मांगता है ना ये शॉर्ट टर्म लोन मांगता, ये दीर्घकालिक लोन मांगता हो। अब दीर्घकालिक लोन क्यों मांगता होगा? पता लगा दीर्घकालिक लोन क्यों मांगता, अभी बताएं। अब ये बताओ ये लोन तो देगा, ये लोन तो देगा, ऋण समझते हो, धन, ऋण का मतलब क्या हो? धन, ऋण देगा। हाँ, इसका भी काम ऋण देना होगा, क्योंकि प्रत्येक बैंक का काम ऋण देना हो, जो ऋण, ये ऋण देता होगा, लेकिन जो ऋण देगा ना ये देगा बाह्य उद्देश्य हेतु, ये आंतरिक उद्देश्य हेतु देगा, ठीक। अगर एक्सटर्नल पोजीशन आपकी ज्यादा खराब है, बाह्य स्थिति आपकी ज्यादा खराब है, मतलब एक्सटर्नल पोजीशन आपकी ज्यादा खराब है, तो आपको लोन देगा कौन? आईएमएफ, क्योंकि आपको बाहर ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए डॉलर की आवश्यकता होगी। जब डॉलर की आवश्यकता होगी तो आईएमएफ लोन देगा, लेकिन लोन देगा शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ दिन बाद फेर ले लगा तुमसे, आया समझ में, ठीक। तो जिस महिला ने अपना सोना गिरवी रख लिया होगा, तो जल्दी से जल्दी जाके उसको सोना उसके घर वापस आ गया, आया समझ में।
तो इस बात समय जगह लगा जा सका। तो विश्व वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए, विश्व के अंदर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए ऐसा देश किसी के पास, इसका काम यही हो कि ऐसा कोई देश तो नहीं है कि जिसके पास धन की कमी हो रही, अगर धन की कमी हो रही ना उस पर नजर बनाए रखेगा, अपने पास बुला लेगा और डॉलर दे देगा उसे। आया समझ में? यही काम हो इसका, विश्व के अंदर वित्तीय स्थिरता बनाए रखना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्य होगा। ये भी 1940 के आसपास ही अस्तित्व में आया था। आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद क्या हुआ? चलो अब वर्ल्ड बैंक का समझ में आया, यू भी लोन देगा, यू भी लोन देगा, लेकिन वो देगा देश के अंदर आंतरिक पर्पज के लिए, देश के अंदर जो आंतरिक जरूरत होगी उसे पूरी करने के लिए, ये भाई जरूरत पूरी करने के लिए लोन देगा। बताओ दिमाग समझ में नहीं है? तो एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, बताओ जो विश्व बैंक और जो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक एक हमारा IMF, इसमें तो कौन सा ऐसा जो लघुकालिक पर्पज के लिए लोन देगा और कौन सा ऐसा जो दीर्घकालिक पर्पज के लिए लोन देगा? तुम्हें कैसे पता लगा दीर्घकालिक के लिए देगा? क्योंकि देश के अंदर जो अवसंरचना हो ना उसको जो पैसा खर्च हो वो लघुकालिक के लिए तो कभी खर्च नहीं हो सकता। अगर देश के अंदर रोड बनानी होगी तो रोड बनाने में 2 दिन तो लगते नहीं, 20 दिन तो लगते नहीं, 50 दिन तो लगते नहीं। मैंने 3 साल पहले हरिद्वार में यहाँ बोर्ड लगा देखा था कार्य प्रगति पर है, आज भी वहां बोर्ड लगा हुआ अभी कार्य प्रगति पर है। तो अंदाजा लगा जा सकू कितनी धीमी प्रोसेस हो, तो किसी भी कोई भी विकासशील देश हो, अच्छा ये जो वर्ल्ड बैंक हो या केवल ये विकासशील देशों को लोन दे, नहीं विकसित और विकासशील देशों को, पूरे विश्व के अंदर कहीं भी, नाम ही विश्व बैंक का। अभी IMF, अभी IMF की तुम कहानी सुनाने लगो ना तो तुम रो पड़ोगे। पूछो क्यों? IMF के अंदर यही तो हो, इसका ही तो खेल है सारा का सारा, यही तो लोन बांटता, यही तो डॉलर को यही तो एक्सेप्ट कर, यही तो पूरी दुनिया में तेरे पास ये डॉलर सबको एक्सेप्ट करना, यही तो विकसित देशों का एजेंट। चलो इसकी तो कहानी समाप्त कर दो, इस पर जाओ ठीक, इसकी पकड़ पूरी खींचने वाले अच्छी तरह। IMF की खास बात पता क्या हो? IMF एक तो लघुकालिक प्रबंध के लिए लोन देता होगा, लघुकालिक कैसा? लघुकालिक पर्पज समझ दो, अब लघुकालिक पर्पज मतलब लघुकालिक उद्देश्य के लिए ठीक। तो लघुकालिक उद्देश्य के लिए जो लोन देगा वो कौन होगा? IMF। IMF एक प्रकार का बैंक फंड यहां रखा हुआ। अब IMF के अंदर अगर पैसा निकालना हो ना, IMF के अंदर कोई भी निर्णय लेना हो तो तुम्हें जानकर हैरानी होगी, इसके अंदर अमेरिका का जो वोटिंग राइट है वो 16% है। कितना? 16%। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अगर कोई भी प्रस्ताव पास करवाना ना, यहां तक अगर कुछ भी प्रस्ताव पास करवाना, अगर रुपया रुपये को हम कह रहे कि हमारे रुपये जिस तरह डॉलर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट कर, हमने कहा है ना आपको रुपया भी पूरी दुनिया में एक्सेप्ट करो, चलो तो पता क्या कहेगा वो? अच्छा, इसके अंदर जो 5 देश है ना जिनकी हार्ड करेंसी, वे 5 देश को बुलाया जाएगा और अमेरिका का ना वोटिंग राइट इसके अंदर अमेरिका का अकेला 16% और किसी भी प्रस्ताव को पास करवाने के लिए 85% प्रस्ताव 85% वोट पड़ना चाहिए। कितना परसेंट? 85%। यानी अमेरिका, अब बताओ मुझे ये 100% मतलब अमेरिका 100 घटा दो कितना बैठेगा? 84% बैठेगा। यानी अमेरिका अकेला ही ना किसी प्रस्ताव को रोकने के लिए काफी, अमेरिका के पास इसका जो वोटिंग राइट है ना 16%, अगर अमेरिका चाहेगा, जो अमेरिका जो चाहेगा ना वो होगा IMF के अंदर, अमेरिका जो चाहेगा ना वो होगा। मैंने कहा IMF के अंदर ना किसी प्रस्ताव को पास करवाने के लिए 85% वोट चाहिए और अमेरिका के पास ना वोटिंग राइट 16% अकेला। बहुत सारे देश है आज भी इसके अंदर, बहुत सारे देश है, 150 देश तो ज्यादा इसके अंदर, 164 देश तो ज्यादा इसके अंदर मौजूद है, लेकिन उसके अंदर अमेरिका का अकेला वोटिंग राइट इसके अंदर 16% है। किसी भी प्रस्ताव को पास करवाने के लिए अमेरिका, बिना अमेरिका के तुम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। इस बात इसलिए इस पर अंदर वो लगा जा आरोप कि जो IMF है ना वो एक प्रकार का अमेरिका के एजेंट के तौर पर कार्य करता है। आया समझ में? कुछ समझ में आया? अगर IMF के अंदर कोई प्रस्ताव पास करवाना हो तो 80% वोटिंग राइट चाहिए, 80% वोट अगर जिसके पक्ष में पड़ जाएंगे वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। लेकिन सामना कौन खड़ा हुआ? अमेरिका। अमेरिका कुल कितना? 16%। यानी अमेरिका जब तक नहीं चाहेगा ना तब तक कोई प्रस्ताव IMF के पास हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये जितने भी तुम संस्थाएं देख रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ITO, ये पता कब अस्तित्व आई? ये तब अस्तित्व आई, पता कब अस्तित्व आई? ये तब अस्तित्व आई जब भारत आजाद भी नहीं हुआ। ऐसा हो तो भारत को ना फंसा लिया गया। भारत क्या, बहुत सारे देश थे, उन्होंने बेवकूफ बनाया गया। इतनी बात बताओ समझ में आई? IMF की थोड़ी सी कहानी बता रहे, IMF को लेकर थोड़ी देर बाद में आगे बढ़ने वाले, थोड़ा उधर भी ध्यान दे लो। ITO पर, ITO की नाम की संस्था थी, वो अस्तित्व आने वाली थी कि वर्ल्ड के अंदर ना जितना भी ट्रेड हो रहा है, जितना व्यापार हो रहा है, वो व्यापार गलत तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है,
होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सही तरीके से व्यापार होना चाहिए, कोई भी इंसान गलत, कोई भी देश गलत तरीके से व्यापार ना करे, उस पर जांच करने के लिए आईपीओ बनाया गया था। लेकिन आईपीओ अस्तित्व में नहीं आ पाया। उसके बाद 1947 में एक संस्था अस्तित्व में आई, उसका नाम था गैट, GAT, गैट। इसका नाम हो जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। जितने भी इंग्लिश के नाम आने वाले संस्थाओं सारे तीन तीन चार चार बार नाम रट्टा मारे करो, आया समझ लो, तुम्हारी इनिशियल स्टेज है। और मेरा कई बार कहना तुम बहुत यंग इंसान है, समझ में बात है, तुम्हारा मेमोरी मेरे से बहुत तेज है, तो पता लग गया अस्तित्व आई थी गैट। या अब जो गैट थी ना वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाई, अभी WTO अस्तित्व में आया। 1 जनवरी 1995 का दिन था, 1 जनवरी 1995, और एक समझौता हुआ, उसको बोलते हैं मारेकस समझौता, मारेकस, मराकेस भी बोल रहे, मराकेस समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ना WTO अस्तित्व में आया। क्या अस्तित्व में आया? WTO। WTO तुम कई बार पढ़ चुके, WTO तुमने पढ़ा भी होगा, मैंने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा रखा, दोबारा देख लेना जाके के बाद। आया समझ? WTO अस्तित्व में आया, इसी कहानियां तो बढ़ाऊंगे, ठीक। क्योंकि विश्व का जो तुम्हारे अंदर देश के अंदर व्यापार होना ना, उसे बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यापार होना ट्रेड के एक प्रकार का, भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ का, भारत के अंदर जो ग्रोथ होगी, आर्थिक समृद्धि होगी, उसका इंजन कहा जा। आया समझ? व्यापार होना बहुत जरूरी है। ये आत्मनिर्भर जो लोग कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनो, ये नारे ना जुबान पे इच्छे लग, आया समझ? मैंने कहा अगर भारत के अंदर ना आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना और भारत के GDP बढ़ाना, भारत के अंदर ग्रोथ करनी, आर्थिक विकास करना भारत का, तो उसके लिए ग्रोथ चाहिए। अगर ग्रोथ जब ही होगी जब ट्रेड होगा, और ट्रेड जब ही होगा जब तुम WTO के सदस्य बनोगे। आया समझ में? WTO क्या बनोगे? सदस्य बनोगे। तो WTO को भी समझना और पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। और दो दो साल बाद इसकी मीटिंग होती रहती है WTO की, इस बार भी हुई मीटिंग। इतनी बात बताऊंगी संस्थाएं समझ में आई नहीं, लेकिन इन संस्थाओं पर ना समय समय पर आरोप लगते रहे। इस संस्थाएं आज भी इनकी पारदर्शिता पर, जवाबदेहिता पर, इनकी पारदर्शिता पर और जवाबदेहिता पर समय समय पर सवाल उठाए जाते हैं। आज भी प्रत्येक संस्था पर, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, IT, अब तो WTO अस्तित्व में आया, WTO पर भी सवाल उठाते रहे। इनकी प्रासंगिकता पर, इनकी जवाबदेहिता पर, इनकी पारदर्शिता पर समय समय पर टिप्पणी आती रही है। सवाल समझ में? देश के अलग 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 देश के अलग अलग कोने से टिप्पणी आती रहती है, तुम भी कमेंट कर सकते हो बीच से। आया समझ? इतना बताओ समझ में आया नहीं, कोई प्रॉब्लम? अब IMF की कहानी। IMF ना एक प्रकार का, सुन लेना ध्यान लगा, उसके बाद तुमसे सुनने वाला हूं। IMF जो हमारा, ये IMF ना एक बार विकसित देशों का एजेंट है। क्या है? विकसित देशों का एजेंट है। क्यों? अभी समझ लो क्यों। क्योंकि पता क्या काम करता हूं ये, क्या हमारा IMF नाम क्या है इसका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये वही करता है, ये पता है क्या करता है? ये वही करता है जो विकसित देश चाहते हैं। क्या करता है विकसित देश? मतलब अभी बताया थोड़ी देर पहले, एग्जांपल दिया किसका? अमेरिका का। अमेरिका जो चाहेगा ना वही IMF करने वाला। क्यों? क्योंकि अमेरिका का वोटिंग राइट इसके अंदर 16% है, और किसी भी प्रस्ताव को पास करवाने के लिए आपको 85% वोट की आवश्यकता होती है। यानी बिना अमेरिका के आप IMF के अंदर कोई भी प्रस्ताव पारित कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। समझ में आया? ठीक, कोई दिक्कत? अब बताओ IMF ही तो जो डॉलर को आज ऊपर उठा कर ले गया और दूसरी करेंसी नीचे डाल दिया। आया समझ? IMF ही किसी करेंसी को हार्ड करेंसी का दर्जा देता। मुद्रा, नाम सुना है मुद्रा? पैसा, पैसा, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। अरे खुशी महसूस हो उसका? ये IMF का, ठीक। अब IMF का काम पता क्या हो? किसी भी करेंसी को हार्ड करेंसी का दर्जा देना हो, पहले समझते हैं हार्ड करेंसी कैसे कहते हैं। आज डॉलर है, हार्ड करेंसी कैसे अस्तित्व में आया, पहले था क्या, ठीक। तो बहुत मजा आने वाला, अपना दिमाग खोल कर बैठ जाना पूरा शांति से, ठीक। क्योंकि मैं आपको डेप्थ में लेके जाने वाला, बहुत थोड़ा इतिहास बताने वाला, ठीक। आपको अब तो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, देखते उत्तर सही दोगे गलत दोगे, जितना ध्यान लगाओगे इतना ज्यादा अच्छा उत्तर दे दोगे। तो अब अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ हार्ड करेंसी क्या हो। हार्ड
करेंसी। ये हार्ड करेंसी क्या हो? अब हार्ड करेंसी हिंदी में ऐसे लिख देना, हार्ड करेंसी, आया समझ में? तो इसके पीछे पड़ जाओ, हाँ, दो कठिन मुद्रा। हार्ड करेंसी कैसे लिखना? हार्ड करेंसी। तो जो हार्ड करेंसी हो ये क्या हो, ये अस्तित्व में क्यों आया? हार्ड करेंसी डॉलर कहां से आ गया? आया समझ में? जापान का येन हो गया, ब्रिटेन का पाउंड हो गया, जर्मनी का मार्क हो गया, ये आए कहां से? जरूरत क्यों पड़ गई इनकी? रुपया क्यों अस्तित्व में आया? रुपया क्यों आया? जरूरत क्या थी इसकी? जरूरत पड़ाई ना, आया समझ में? अब मनी है ना, मनी, मनी के बारे में एक ही बात कही जा, जो मनी हो ना, मनी, उसके बारे में एक ही बात कही जा, और ध्यान से सुनना। अब हम मुद्रा समझेंगे। अच्छा, मुर्दा ना लिख देना, करेंसी इस पर लिख नहीं आते तो पूछ गए मैडम, आया समझ में? अभी मुद्रा क्या हो? मुद्रा बता क्या हो? एक प्रकार का ना माध्यम हो, माध्यम क्या हो? माध्यम, माध्यम, माध्यम। जिससे व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, जिससे क्या कर सकते हैं? अच्छा, इससे पहले पता क्या चलता था? जब मुद्रा नहीं है तेरे दुनिया में तो एक सिस्टम काम करता था, उस सिस्टम को आज तुम्हें समझना जरूरी है। उस सिस्टम को हम कहते थे बाटर सिस्टम, हिंदी में बताता हूँ क्या कहते हैं। अभी अभी तो समझो कि मुद्रा आई नहीं, अभी अस्तित्व में नहीं आई, ना तो रुपया, ना डॉलर आया, ना पाउंड आया, ना ये आया, जर्मनी कुछ नहीं आया। अभी समझ लो, इससे पहले क्या चलता था? इससे पहले क्या चलता था? मैंने खुद के सामने ये बात, मैं तो बहुत पुराना व्यक्ति हूँ, आया समझ में? मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मैंने बटर सिस्टम को देखा हुआ और फील भी किया, करा हुआ, आया समझ में? अपने उदाहरण देकर समझाऊंगा तुम्हें। इससे पहले हम बटर सिस्टम, जब मुद्रा नहीं आती तो बटर सिस्टम चल रहा था। पहली बात तो ये है कि हम क्यों मुद्रा की जरूरत क्यों पड़ी, मुद्रा की हमें जरूरत क्यों पड़ी? मुद्रा पहले चलता था बटर सिस्टम, अभी बटर सिस्टम क्या हो? इसे बोल लो विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली। पहले बताओ व्यापार करना जरूरी कि नहीं जरूरी? अब सुन लो, ध्यान लगा सुन लेना, चतरे बताओ विनिमय प्रणाली क्या हो? विनिमय प्रणाली में क्या होता था? पहले करेंसी नहीं आती, मुद्रा नहीं आती, कोई रुपया नहीं आता, कोई गांधी जी नहीं आते पहले, आया समझ लो? पहले अतीत काल से ही ऐसा ही। मुझे तो जब भी हैरानी हो, जब मैं एक बार पढ़ा था, एक बच्चे ने मुझे बताया, गुरुजी जो विनिमय प्रणाली है ना, बाटर सिस्टम, इस तरह की व्यवस्था ना हड़प्पा, जो हड़प्पा सभ्यता उसमें भी देखी गई थी, बाटर सिस्टम। उसमें क्या करते थे? अब देखो इसमें हुआ क्या करता था, पता लग गया कि मेरे पास ना, मेरे पास, मेरे खेत में गेहूं, गेहूं पैदा हुआ, ठीक, और दीदी के खेत में ना दाल, दाल पैदा हुई इनके खेत में, तो मुझे दीदी को गेहूं की जरूरत है और मुझे दाल की जरूरत है, हम इन्हें ना गेहूं दे देंगे और दीदी से दाल ले लेंगे, आया समझ में? इसे बोलते थे बाटर सिस्टम। तो बताओ इसके बीच में कोई रुपए की जरूरत पड़ी? जरूरत पड़ी, ऐसा पहले हुआ करता था। तो मुझे लगा आज भी कभी कभी किसी घर घर में आसपास पड़ोस में ऐसा हो जाए कि तुम हमसे ये ले लो और ये दे दो, हुआ करता नहीं? कितना 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 अच्छा सिस्टम था, एक प्रकार का अच्छा था कि नहीं था? लेकिन इधर तक तुम अभी अच्छा लग रहा होगा, सुन लो, इसमें समस्या कहां थी? बाटर सिस्टम था, इसी बोलते हैं विनिमय प्रणाली, लेना देना, एक्सचेंज कर लेना। एक वस्तु तुम्हारे पास, जो वस्तु नहीं है और दूसरे के पास उसकी जरूरत है, उसको वो ले लो, जो जिसकी तुम्हें जरूरत है वो दे दो जिसकी उसको जरूरत है, इसे हम विनिमय प्रणाली बोलते थे। समझना है तुम्हारे दिमाग में, कभी पेपर मनी लेगा विनिमय प्रणाली क्या हो? इस तरह की प्रणाली की जो शुरुआत है ना, वो हड़प्पा काल, हड़प्पा काल से, हड़प्पा से बदलते हुए होती हुई, और प्राचीन काल से जबरदस्त मात्रा में उसका उपयोग हुआ, आया समझ में? जबरदस्त मात्रा में इसका उपयोग हुआ, और उसके बाद ना इसके जो साक्ष्य वे तो अंग्रेजों के टाइम भी देखने को मिले। और अभी मैंने कहा, मैंने ना इस विनिमय प्रणाली को अपनी खुद की आंखों देखा हुआ, जब मेरी दादी थी ना हमारे यहाँ से, आया समझ? तो मेरी दादी बता क्या किया करती थी? बहुत अच्छा अचार बनाया करती थी। क्या बनाया करती थी? अचार। जो अचार थे ना, बहुत दूर दूर से लोग आते थे हमारे यहाँ से, समझ रहा है बात है? अब यू नहीं है कि वास्को डी गामा भी यहीं आ रहा है, आया समझ? बहुत दूर दूर, समझ लो, मतलब बता कहाँ, जैसे जैसे जाते यूपी तक, और जो हमारे रिश्तेदार हुआ करते थे, मेरे रिश्तेदार किसी और को बताया करते थे, वहां चले जाओ तो हमारे यहाँ ना वे गेहूं लेकर आया करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना खेती नहीं आती, हम बहुत गरीब आदमी पहले से, ठीक, तो हमारे यहाँ खेती नहीं हुआ करती थी, तो गेहूं लेकर आया करते थे और हमारे यहाँ से अचार लेके चला जाया करते थे। मैंने कितनी बेहतरीन व्यवस्था, मैंने कहा दादी तुमने हमें पैसे नहीं दिए? मुझे नहीं नहीं हम तो, मेरे दादी तो पूछा ये चलता कैसे ये सिस्टम, हम अतीत काल पर ही ऐसा करता है, ऐसे दादी ने ऐसा नहीं बोला था, उन्होंने दूसरी भाषा में बताया था, अतीत काल पर ही ऐसा करता है, ऐसा ही होता है और सब लोग ऐसा ही करते,
अभी किसी के यहाँ चले जाते हैं और पहले पता क्या हुआ करता था। अब तुम मुझे देखो ये कितना कठिन काम होता होगा, कठिन कैसा होता होगा। अब तुमने नाम सुना होगा मंडी होगा, मंडी पीठ गए भी होंगे, सामान भी खरीद लेके आए होंगे। ये ना तभी की स्थिति में आई हुई, क्यों आई हुई, सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाया करते थे जिसके पास जो भी चीज हुआ करती थी और पीठ में जाकर रख दिया करते थे, जिससे जो भी जरूरत हुआ करती थी वो ले जाया करता था, वहीं एक्सचेंज कर दिया करते थे। इसलिए मंडी और पीठ अस्तित्व में आई थी। समझ में आया ठीक, इनका अस्तित्व, इसे तो हम होस्ट बोलते थे, ये होस्ट जो बाजार थे इस तरह अस्तित्व में आए थे। इन्हें बोलो होस्ट बाजार, होस्ट जो बाजार थे इस तरह अस्तित्व में आए थे। आज भी देखो दिल्ली के कन्नौट प्लेस में चले जाओ, उधर साइड में दिल्ली के अंदर जो कि मार्केट है उसके अंदर चले जाओ, ऐसी ऐसी मार्केट बहुत बड़ी बड़ी मार्केट लगती है, शनिवार इतवार को पीठ भरती है। कब अस्तित्व में आई, ये अभी तक अस्तित्व में आई, पहले की अस्तित्व में आई हुई है, जब विनिमय प्रणाली चला करते थे तो हम मुद्रा की जरूरत नहीं करते थे। आज तो जब मुद्रा अस्तित्व में आए, लेकिन कितनी समस्या होती होगी, जैसे चलो पहले नहीं बताओ लोग कहीं पर यात्रा करते थे, पहले कोई फेमस चीज यात्रा करने क्या रही होगी, बड़े बड़े लोग, बड़े लोग, अच्छा बड़े लोगों की क्या खास बात है, बड़े लोग आज भी थे, बड़े लोग पहले भी और पहले भी थे, तो बड़े लोग कहीं में यात्रा करते होंगे, रत्न सब बात, रत्न यात्रा करते होंगे, या कोई हाथी पर यात्रा करता होगा, हाथी पर यात्रा करते बड़े बड़े लोग, ऐसे बोलो तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे गरीब नहीं तो बैलगाड़ी में जाने, ऐसे बोलो तो तुम्हारे जैसे जो बड़े लोग होंगे वे कैसे यात्रा करते होंगे, हाथी पर पुराने समय में करते होंगे नहीं। अच्छा विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम, आज दिमाग को पूरा घुसा के छोड़ दूंगा, जब तक मुद्रा नहीं समझ आना तब तक कुछ नहीं समझ पानेगा, आगे इसके बिना कुछ नहीं है, इसके बिना कुछ नहीं समझ सकते तुम। बताओ बड़े बड़े लोग कैसे यात्रा करते होंगे, रस यहां से सही बताओ, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है उसने अपना दिमाग एक्सचेंज कर लिया कि उसे अब गाय ले ली, उसे एक ऐसे व्यक्ति ढूंढना जो उसका हाथी खरीद सके, हाथ अभी लड़ाई है कि 50,000 में हाथी खरीद दिया, 20,000 में हाथी खरीद दिया, वहां तो पैसे ही नहीं आते, हजारों उस टाइम तक आया था भी नहीं, तो कितना कठिन काम होगा। उसने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा, मान लो तुम्हारे पास अतीत काल में एक हाथी था, तुम ऐसे व्यक्ति की तलाश है कि जिसके पास पांच गाय हो, पांच एक गाय में तुम एक हाथी थोड़ा दे दोगे, कम से कम पांच छह गाय चाहिए तुम जो दूध देने वाली हो उसे ले लोगे और उसे एक हाथी दे दोगे। तुम्हें एक व्यक्ति ढूंढना होगा कि जिसके पास जिसे एक हाथी की जरूरत हो और उसके पास पांच गाय हो, कितना कठिन काम होगा, इस तरह कठिन काम होगा नहीं होगा। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करना जिसकी जिसकी तुम्हें जरूरत है और जिसकी उस जो तुम्हारे पास है उसको जरूरत है, कितना कठिन काम होगा, बहुत कठिन काम था। आया समझ में, जब ऐसा हुआ करता था ना, मेरे पास ना 5 किलो दाल है, तुम मुझे एक ऐसे तलाशना जिसके पास ना 5 किलो ओली लो तेल, कितना कठिन काम होगा, इसे तो पीठ बनाई गई थी। अब ये बताओ मुझे, अगर इस तरह व्यापार करना भी होगा तो व्यापार जो होगा ना, जो विनिमय प्रणाली थी इसकी एक ही इसका दोष था, एक और दोष क्या था, सीमा क्या थी इसकी, सुन लो इसका दोष क्या था, सीमा क्या थी, पता क्या सीमा थी इसकी, ये दोष क्या था, ये सीमा थी, इस समय में ना जो व्यापार था उनका क्या था, व्यापार व्यापार करना बहुत कठिन था। क्यों कठिन था, क्योंकि जो व्यापार था ना वो ना बस स्थानीय स्तर तक सीमित था, स्थानीय स्तर तक, कितना लोकल में मंडी लग रही। अब बताओ तुम अपना सामान, तुम्हारे खेत में बहुत सारा दाल होगा, पैदा बैंगन हो गए, ठीक आलू हो गए, तो तुमसे बाहर बेच हो जाएगा देश के दूसरे कोने में जाकर, बहुत कठिन काम हो जाएगा। अभी तो तुम्हें कितनी कठिनाई पैदा हो रही, इसका मतलब जब विनिमय प्रणाली थी ना उसका एक दोष था, जो व्यापार था ना वो स्थानीय स्तर तक सीमित था। बात समझ में आई, तो बताओ जो विनिमय प्रणाली थी उसका जो व्यापार, विनिमय प्रणाली के द्वारा जो व्यापार हुआ करता था वो स्थानीय स्तर तक सीमित था, नहीं होता आया समझ में, वो कभी भी ना एक बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाया, बिल्कुल भी एक राज्य दूसरे राज्य में जाने का मौका ही नहीं मिला। तो तब तुरंत पता क्या अस्तित्व आई, मुद्रा। तुमने सुना भी होगा किसी ने राजा आपके पुराने किसी ने चांदी के सिक्के चलवाए थे, किसी ने चमड़े के सिक्के चलवाए थे, तो मुद्रा अस्तित्व आई। अब मुद्रा जब अस्तित्व आई ना, सुन लो, जब मुद्रा अस्तित्व आई तो क्या हुआ, व्यापार करना आसान हो गया। जो व्यापार ना पहले स्थानीय स्तर तक, या यहाँ इसमें विनिमय प्रणाली में जो व्यापार था वो स्थानीय स्तर तक सीमित था, कहां तक, स्थानीय स्तर तक। अब बताओ जब तक तुम अपना सामान बाहर नहीं बेचने जानेंगे, अच्छा दाम नहीं प्राप्त होने का, तुम्हारी मार्केट में पहुंच गई होने की। जो व्यापार पहले स्थानीय स्तर तक सीमित था ना, जैसे मुद्रा अस्तित्व में आया, क्या अस्तित्व में आया, मुद्रा आज बोलो, तो मुद्रा ने क्या किया, इसमें बता कि इसमें विनिमय प्रणाली में क्या हुआ करता था, जो बायर हुआ करता था, बायर व्यक्ति विक्रेता एक हो सेलर, क्रेता एक हो क्रेता, एक हो विक्रेता, क्या यार हिंदी भी कुछ नहीं, इसे बोल लो बायर, इसे बोल लो सेलर,
तो एक तो बायर होता था, एक सेलर हुआ था, करता विनिमय प्रणाली में। तो जो बायर क्या हो, खरीदने, बायर क्या हो, जो बेचने वाला, बायर क्या हो, बेचने वाला, बायर हो खरीदने वाला, इसे बोल लिखो सेलर, इसे बोल सेलर, इसे बोल बायर, बायर इसका मतलब वो खरीदने वाला, इसे क्या हो बेचने वाला, दोनों एक ही व्यक्ति थे, दोनों एक ही व्यक्ति थे, क्या एक ही व्यक्ति नहीं, क्यों थे, जो बेचने वाला था, और दोनों बहुत करीबी व्यक्ति थे, ठीक। अब ऐसे व्यक्ति तो रास्ता होता था जिसके पास, मैंने कहा जिसके पास ना विक्रेता और जो क्रेता है वे दोनों एक ही व्यक्ति थे, जुड़े हुए व्यक्ति थे, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति की तलाश थी। और जैसे ही मुद्रा अस्तित्व में आगा ना, तो जो बायर होगा सेलर होगा तुरंत अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा, इनकी जरूरत ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति, तो बायर अलग होगा, सेलर अलग होगा, दोनों अलग होते चले जाएंगे। अब अलग कैसे होंगे ये भी समझना है। जैसे मुद्रा अस्तित्व आगा, और जो जैसे मुद्रा अस्तित्व आगा, तो जो व्यापार था ना वो स्थानीय स्तर हटकर ना पूरे देश के कोने कोने में फैल जाएगा। अब जरूरत नहीं है मुद्रा ना जो व्यापार था उसे आसान बना देगी। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, मुद्रा का काम हो व्यापार को आसान बनाना। जो व्यापार पहले राष्ट्रीय स्तर स्थानीय स्तर तक सीमित था, वो राष्ट्रीय स्तर पर फैल जाएगा, पूरे देश के अंदर फैल जाएगा, पूरे राज्य के अंदर फैल जाएगा, पूरे राज्य की करंसी होगी। फिर बायर सेलर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये दोनों तुरंत अलग हो जाएंगे। अब इनकी जरूरत क्या है, समझ में। तो बताओ जैसे मुद्रा आगे, इनकी जरूरत इन दोनों की जरूरत है, इन दोनों अलग नहीं हो जाएंगे, इनकी जरूरत क्या है, ना तो बायर की ना सेलर की, तो बीच में कौन आया, मुद्रा आया। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं, मुद्रा करेंसी समझ में आई नहीं, तो करेंसी का कारण पता लग गया। तो करेंसी एक माध्यम जिसकी सहायता था ना जो व्यापार, वो जिस व्यापार उसका विस्तार किया जाता, किया जाता। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं, कोई प्रॉब्लम है यहां तक। लेकिन अभी मुद्रा तो आएगी हमारी, चलो मुद्रा आएगी, करंसी आई हमारी, आई हमारी करंसी, मुद्रा आई हमारी, मुद्रा जैसे ही आई विक्रेता और क्रेता दोनों अलग हो गए। अब इनकी जरूरत नहीं है, जरूरत है ही क्या है, अब तो मुद्रा आई ना बीच में। अब बताओ जब मुद्रा आई बीच में, तो मुद्रा पता लगा क्या, मुद्रा एक प्रकार का, मुद्रा एक प्रकार का साधन, क्या है साधन, इसकी सहायता था क्या हो, इसकी सहायता था ना जो व्यापार हो जो स्थानीय स्तर तक सीमित हो वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। अब बताओ अगर पूरे भारत देश की जो करंसी होगी, भारत देश की करंसी, भारत में बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, बटा हुआ नहीं था, जो भारत के अंदर जो छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे, प्रत्येक राज्य की मुद्रा होगी, आया समझ में। प्रत्येक राज्य के जैसे अंग हो गया, महाजनपद हो गए, बहुत सारे 16 महाजनपद थे, अंग हो गया, चंपा होगा, बिहार होगा, इस तरह करके उनकी जो मुद्रा होगी अलग अलग राज्य की अलग अलग होगी। अब ऐसे व्यक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं है जो क्रेता विक्रेता हो, इन दोनों को तुरंत अलग कर दिया मुद्रा ना, तो मुद्रा का एक बेनिफिट होगा। अच्छा, अब लेकिन एक बार आओ पूरे देश की अगर मुद्रा एक ही कर दी जाए, पूरा देश की अगर मुद्रा एक ही कर दी जाए, करेंसी एक ही कर दी जाए, तो जो व्यापार और करना बहुत पूरे देश के अंदर पूरा आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा, व्यापार करना आसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कब होगा व्यापार करना आसान, जब होगा व्यापार करना है, जब पूरे देश की मुद्रा एक ही कर दी, एक कर दिया, आसान हो जाएगा नहीं ट्रेड करना, यस और नो। लेकिन समस्या बता कहां आ गई, अब समस्या देखो कहां आ गई, यो इंडिया, क्या है यो हमारा रूस, रूस एक। अब जरा एक बात बताओ ध्यान से सुनना चाहते, अब रूस और एक तरफ है यूएस से, ठीक, क्योंकि समझना जरूरी तुम, आज में डॉलर निकाल के लेकर आने वाला, आज नहीं तो फिर कल, अभी मैं जो समझाने वाला ना यह समझाना, ध्यान से समझना, इंडिया रूस और इस तरह साइड में यूएस से। जरा एक बात बताओ, इंडिया की एक ही करेंसी इंडिया की, ठीक, उसका नाम रुपया, मान लो कुछ और नहीं रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो रुपया, ठीक, और रूस की जो करंसी है वह रूबल, 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 रूस की करंसी रूबल, तो रैसे रुपया आर, ये क्या है रूस, याद रहेगी बात, रूबल ये रुपया। जरा एक बात बताओ, अगर हम इसके साथ व्यापार करने लगे, अभी जो रुपया भारत के किसी भी राज्य ने एक्सेप्ट कहीं भी, अब हमने कहा इसे रूस को कि काम करो आप ना थोड़ा सा डीजल पेट्रोल दे दो, हमारी ट्रेन ही चल जाएगी। अच्छा, उसने कहा ठीक, ये गैस के पास कहने लगा एक काम करो रुपया दे, ये अभी गैर रुपया लेगा, बहुत सारे गांधी जी के नोट ले गया, उनकी जोड़े बने डाल दिए, आया समझ उन आया गुस्सा, उठाओ उठाओ उठाओ, जरूरत क्या है इसकी, आया समझ। अब उसने कहा कि ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था, एक शर्त हो सकता है, रूस वालों ने कहा ऐसा हो सकता था, जब हो सकता था, मैं बता रहा हूं डॉलर की ओर से तुम आया, क्यों आया डॉलर से तुम, समझ लो, उसके बाद फिर कभी समझ में आने का। रूस वाले कहने लगे ऐसा हो सकता था, क्या पता जो रुपया तुम हमें दे रहे
उर्दू पहले हम तुम्हें तो नहीं देना पड़ेगा, दुनिया के किसी कोने में भी एक्सेप्ट नहीं है। कौन लेगा उसे गांधी जी को? उस गांधी जी को अगर हमने तुमसे ले ही लिया उसे लेगा कौन वापस? आए समझ लो इनके पास समस्या होगी। उसने कहा हमें दे देना, मेरे फिर तो द्विपक्षीय व्यापार हो जाएगा। और ये तो फिर वही वाले सिस्टम होगा, ये तो वही समस्या हो जाएगी। बता कौन सी समस्या हो जाएगी? वही समस्या हो जाएगी विनिमय प्रणाली में, अंतर क्या रहा जाएगा? ये तो व्यापार सीमित हो जाएगा ना, दो देशों के बीच में व्यापार होगा। समझे क्या? आया समझ में? ये कहने लगा ये जो यहां से रुपया मिला, रुपया रुपया मिला, ये पूछ गया रशिया के पास लेकर। अब बताओ जिसके पास रुपया वो रशिया एक्सेप्ट कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा? क्यों नहीं कर लेगा? क्योंकि इसको हमको जरूरत नहीं है। पता लग रहा है इसका ना इसके साथ कोई ट्रेडिंग या संबंध नहीं है, इसके साथ कोई संबंध नहीं है इसका। इसके पास जो रुपया चलेगा इस रुपया का रह जाए जब किसी को दे नहीं सकता, उसके लिए तो कागज का टुकड़ा होगा होने। अब मुझे एक बात बताओ, जो रुपया था ये रुपया, अब यहां दो समस्या आ गई कि हो तो फिर हो क्या है? हो तो हो क्या कि क्या फिर ऐसा काम कर देगा कि पूरी दुनिया की करेंसी एक ही बना दी जाए? समझ गए? ऐसा जब सही हो सकता कि पता लग रहा है एक ऐसी जो करेंसी जो कॉमन करेंसी हो जो पूरी दुनिया में चले। अब तुम्हारा दिमाग तो खुद ही आ रही निकल गया, कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक पूरी दुनिया में एक ही करेंसी चलने वाली हो। आया समझ लो यहां समस्या आ गई। अब बताओ जो तुम्हारा तुम्हारे देश में क्या चलता था? रुपया। रुपया ना सिर्फ जो तुम्हारे देश की करेंसी वो सिर्फ तुम्हारे देश तक सीमित, राष्ट्रीय स्तर तक सीमित, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो तुम्हारा रुपया ने एक काम करा, जो तुम्हारा विनिमय प्रणाली थी ना उसे उसे डिनाई कर दिया, उसे एक्सचेंज कर दिया, उसे हटा दिया। रुपये ने एक काम है, जो तुम्हारा व्यापार था पहले स्थानीय स्तर तक सीमित था वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पाया। क्यों? रुपया जो रुपया रुपया समझते हो इस नोट तक कॉमनली एक्सेप्टेबल करेंसी, वो कॉमनली एक्सेप्टेबल करेंसी नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सेप्ट नहीं है वो। एक अगर रुपया कॉमनली एक्सेप्टेबल करेंसी होता तो फिर वो पूरी दुनिया में कहीं भी चल जाता। तो क्या होना चाहिए फिर? यहां तो समस्या होगी, व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, इस तरह कोई देश ट्रेड नहीं करने का, व्यापार नहीं करने का। मैंने कहा तीन समझौते हुए थे घुटन वेटे समझौते में, ये तीन संस्थाएं बनाई गई थी, ये सारा काम इसे दे रखा करेंसी वाला, मुद्रा से संबंधित जितना भी काम करने वाला ना पूरी दुनिया में जो भी काम करने वाला IMF पर था। IMF के सामने समस्या आ चुकी। अब करो तो करो क्या? प्रत्येक देश की मुद्रा अलग अलग, और कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। क्योंकि मुझे भारत को जो रूस को जो चाहिए ना, अब भारत भारत को जो चाहिए, रूस तो खरीद तो लिया और कहने लगा रुपया ले लो, अब रूस को जो चाहिए उसके पास भी है। आया समझो? तो कहने लगा तुम्हारा रुपया किस काम का है? यहां समस्या आ गई। इस समस्या को समाधान करने के लिए वो खड़ा हुआ साइड IMF। तो फिर हो तो हो, होना चाहिए क्या? क्या ऐसा हो जाना चाहिए कि पूरी दुनिया में एक ही करेंसी चल जाए जब तो समस्या का समाधान हो सके? आया समझ में? अगर पूरी दुनिया की एक ही करेंसी होगी, कहने लगे अच्छा तुम्हारे यहां रुपया चल रहा है, तुम भी यहां भी रुपया चलेगा, यहां भी रुपया चलेगा, पूरी दुनिया की करेंसी एक बना दो, हो सके? नहीं हो सकता। पहला समाधान, पहला सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का, पहला सोल्यूशन प्रॉब्लम है, पहला सोल्यूशन इसका कि पूरी दुनिया की करेंसी एक हो, पूरी दुनिया की करेंसी एक हो। आया समझ में? दूसरा, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो बताओ, पूरी दुनिया करेंसी एक हो सका? हो सका? नहीं हो सकता। अगर चलो हो भी गई तो आंसर बता क्या है इसका? पूरी क्या पूरी दुनिया करेंसी एक जैसी हो सका? नहीं हो सकती। अगर हो सके तो आंसर पता क्या है इसका? तो आंसर थ्योरेटिकली आंसर हां, तो प्रैक्टिकली आंसर ना। क्या कहा? थ्योरेटिकली आंसर हां और प्रैक्टिकली आंसर ना। अगर पूरी दुनिया की करेंसी मैंने एक ही बना दी, चलो रुपए बना दी, एक ही कुछ भी बना दी, तो उस करेंसी को छप्पगा कौन? और जो छप्पगा ना वो तो बहुत अमीर देश बन जाएगा, जब चार्जेज जरूरत होगी जब अपने देश बगल लगा। आया समझ में? यहां समस्या होगी। तो मैंने क्या कहा, पूरी दुनिया की करेंसी में चाहकर भी एक नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? छापने की समस्या हो जाएगी। कुछ करेंसी को छपा कौन? बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो इस समस्या का समाधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दूसरा तरीका, तो इधर ही तो फॉलो होगा। पूरी दुनिया करेंसी एक जैसी हो नहीं सकती, क्यों? छापने की समस्या जाएगी। उस करेंसी को छपा कौन? अब दूसरी समस्या, दूसरी समस्या बता गया, दूसरा सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन ना, दूसरा सोल्यूशन यह होना चाहिए कि कुछ देश चुनो, चार पांच देश ऐसे चुनो, उनकी करेंसी को हार्ड करेंसी बना दो। पांच छह देश उन्हें ऐसे चुनो, उनकी करेंसी को हार्ड करेंसी बना दो, पूरी दुनिया में नहीं चलती रहेगी ज्यादातर। पूरी दुनिया में कोई भी एक्सेप्ट करेगा ना, उन करेंसी को मना नहीं कर सकता। पांच देश चुने गए IMF के द्वारा, पांच देश चुने गए, पांचों के नाम बता रहा हूं।
कुछ देश, तो पहले वाला जो तरीका था वो तो फॉलो होगा, दूसरे वाला तरीका अपनाया गया और पांच देशों की करेंसी को हार्ड करेंसी बनाया गया। नाम बता रहा हूँ याद भी रखना, पांच देशों की करेंसी को हार्ड करेंसी बनाया गया। दूसरा जो तरीका था, दूसरा जो सोल्यूशन था इस प्रॉब्लम का, जो दूसरा सोल्यूशन था उसे एक्सेप्ट किया गया, पांच देशों की करेंसी को हार्ड करेंसी बनाया गया। नाम भी याद रखना, नंबर फर्स्ट अमेरिका की करेंसी को हार्ड करेंसी बनाया। अभी इनमें कंपटीशन होगा, जो भी अच्छा डोमिनेट करेगा ना, डोमिनेट करेगा वो ऊपर जाएगा, और वो किस तरह वो मैं बात बताऊंगा। पहले पांच देशों के नाम याद रखने कि पांच देशों की करेंसी को हार्ड करेंसी बनाया गया, आया समझ में? इस समस्या को सोल्व करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, इसे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पांच देशों की करेंसी को हार्ड करेंसी बनाया गया। नंबर फर्स्ट अमेरिका, अमेरिका का जो डॉलर है उसे बोलते हैं अमेरिकन डॉलर, उसे हार्ड करेंसी बनाया गया। दूसरे नंबर पर एक और करेंसी, उसका नाम है ब्रिटेन, ब्रिटेन, ब्रिटेन की करेंसी को हार्ड करेंसी बनाया गया। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड, पाउंड कितने देश हो गए? दो। तीसरे देश का नाम है जापान, जापान की करेंसी येन, ये करेंसी भी याद रखनी, देश के नाम भी याद रखनी। पहले नंबर पर कौन सी करेंसी बनाई मैंने? पहले नंबर पर अमेरिका, अमेरिका की जो करेंसी क्या थी? अमेरिकन डॉलर, डॉलर नहीं क्योंकि इंग्लैंड में डॉलर चले, इंग्लैंड डॉलर बोल लो सर, आया तो अमेरिकन डॉलर ही बोलना होगा, तो अमेरिका की करेंसी कौन सी? अमेरिकन डॉलर। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन, ब्रिटेन की करेंसी, ब्रिटेन के पहले जापान बोल लो, जापान, जापान की करेंसी येन, येनी येन, येन। उसके बाद तीसरे नंबर पर ब्रिटेन, ब्रिटेन की करेंसी पाउंड, पाउंड। कितने देश हो गए? चौथे नंबर पर देश का नाम है जर्मनी, जर्मनी की करेंसी मार्क, मार्क। करेंसी भी याद रखनी है, हार्ड करेंसी, पहली बार हार्ड करेंसी का दर्जा दिया जाता है ना, आज नहीं याद रहेगा नाम, मार्क। कितने देश हो गए? पांचवे नंबर पर पांचवे देश का नाम है फ्रांस, और फ्रांस की जो करेंसी है उसका नाम है फ्रेंक, फ्रेंक। तो कितने देश हो गए? पांच के पांच देश थे ना, इनकी करेंसी को ना हार्ड करेंसी बनाया गया पहली बार, ठीक, और इस समस्या का समाधान किया गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ जानते हो? उसके बाद क्या हुआ? अरे मतलब यहां तक समझ में नहीं आया? तो ये जो जो व्यापार ना राष्ट्रीय स्तर तक सीमित था, इस वीडियो को जाकर दोबारा देखना, क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी इतनी नहीं है तुम इस डाटा को एक्सेप्ट कर सको। ऐसे बोलिए हमारे जो बच्चे उनके मुंह कितने था, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से बोल रहा हूँ इस वीडियो में। हेलो मैडम चुप हो जाओ, इस वीडियो को दोबारा सुनना अच्छे तरीके से, कहने की क्या कोशिश करी जा रही, तीसरी बार सुनना जाकर, ठीक। तो जो व्यापार राष्ट्रीय स्तर तक सीमित था उस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने हेतु पांच देशों की करेंसी को हार्ड करेंसी बनाया गया। उन पांच देशों की जो हार्ड करेंसी, उनके नाम अभी गिनाए मैंने तुम्हें याद है, नंबर एक अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका करेंसी अमेरिकन डॉलर। दूसरे नंबर जापान, जापान की करेंसी येन। तीसरे नंबर पर जो करेंसी थी इंग्लैंड, ब्रिटेन, 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 ब्रिटेन की करेंसी पाउंड, पाउंड। चौथे नंबर पर करेंसी आई जर्मनी, जर्मनी करेंसी थी मार्क, मार्क। उसके बाद आया फ्रांस, फ्रांस की करेंसी थी फ्रेंक, फ्रेंक। बताओ ये पांच देश के नाम समझ में नहीं, लेकिन पता क्या हुआ? अब पांच देश कहीं भी जाएंगे ना, अब बताओ ज्यादातर लोग अमेरिका जाना पसंद करेंगे, ब्रिटेन, ज्यादातर फेवरेट जगह कौन सी? आज भी देखो लोग कहां जाना पसंद करते हैं, अधिकांश लोगों की इच्छा हो अमेरिका जाना। तो जब अमेरिका जाएंगे तो अमेरिकन डॉलर उनके हाथ में ही आ गई आएगा, आया समझ में? जाएंगे नहीं जाएंगे तो अमेरिकन डॉलर, ज्यादा यात्री वहां जाएंगे तो अमेरिकन डॉलर हाथ में आएगा, तो जो डॉलर है ना वो सबके पास फैल जाएगा। और डॉलर की खास बात होगी, IMF ने बताया क्या, ये पांच करेंसी हार्ड करेंसी पूरी दुनिया में कोई मना नहीं कर सकता, कोई भी मना नहीं कर सकता, इन्हें पांच देशों की करेंसी को कॉमनली एक्सेप्टेबल करेंसी बनाया गया, कॉमनली एक्सेप्टेबल, कहीं भी कोई भी एक्सेप्ट कर सकता, कहीं भी कोई नहीं रोक सकता, डॉलर पूरी दुनिया में चलता, पूरी दुनिया में कहीं भी। अरे ये ना नहीं, ये जापान का, ये कोई नहीं मना कर सकता, IMF खड़ा हुआ मना कर दिया ना, लीगल तौर पर करवाई होगी इसको, कोई भी देश मना नहीं कर सकता इन पांच देशों की करेंसी को। लेकिन पता क्या हुआ, समस्या खड़ी होगी, जो डॉलर था ना, डॉलर का विस्तार 70 के दशक तक आते आते पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैलना स्टार्ट होगा। कहां ये इंग्लैंड वाले, जो ब्रिटेन, उनका उनकी करेंसी क्या थी? पाउंड। जापानी करेंसी क्या थी? येन। पूरी दुनिया को डॉलर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया 70 के दशक तक आते आते ना, पूरी दुनिया में जो व्यापार होने लगा वो डॉलर होने लगा, 85% जो व्यापार आज भी 80-85% व्यापार ना डॉलर में हो रहा। कारण क्या है इसका, वो भी बताओगे तुम?
आज डॉलर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया पूरी दुनिया को। समस्या पता किसे खड़ी हुई? समस्या पता किसे खड़ी हुई? इंग्लैंड वालों को। इंग्लैंड वालों ने फिर मिलकर उन्होंने सोचा ऐसा नहीं काम चलने का, पूरी दुनिया में डॉलर डोमिनेट कर रहा, एक संघ बनाओ। इन्होंने मिलकर यूरोपीय यूनियन बनाया। यूरोपीय यूनियन की जो करंसी 27 देश थे, 28 देश जब इन्होंने कहा हमने इनकी करंसी, हम 28 देश हम बताएंगे डॉलर क्या हो, डॉलर को नीचे करेंगे, अपनी एक करेंसी बनाई, उसका नाम रखा है यूरो। यूरो यूरोपीय यूनियन बनाया, यूरोपीय संघ बनाया, उसकी दूरो नहीं यूरो, तो उनकी उसकी करेंसी रखी यूरो। बेटे अब इकोनॉमी समझ में, किसी किसी को समझ में आओ बात समझ में आई। भाई को भेज दिए, चला तो जान ना हो आना जरूरी है। बात समझ में आया, यूरोपीय यूनियन अस्तित्व में आया, लेकिन आज भी ना यूरोपीय यूनियन डॉलर का मुकाबला नहीं कर पाया। और बाद में जाएगा ना, जो सबने अपनी करेंसी छोड़ते चले गए, लेकिन बेटे ने अपनी करेंसी नहीं छोड़ दी। बेटे की करेंसी थी पाउंड, पाउंड, क्योंकि उसका काम था पूरी दुनिया को डोमिनेट करना। आगे की कहानी क्या हुई वो मैं कल बताऊंगा, कल पढ़ाऊंगा आगे हुआ क्या, और जितनी मैंने घटना समझाई ना इसमें दोबारा फिर एक्सप्लेन करूंगा, आया समझ, सिस्टमेटिकल तरीके से। लेकिन आज मैं ना इसका नोट्स भेजूंगा तुम, उसे पढ़ लेना अच्छे तरीके से, बैठकर शांति तक दिमाग खोलकर सारा लिखा हुआ है। समझ में कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा, अच्छा सा लग रहा होगा। ठीक है, ये रखते हैं आज इसमें।